जमीन खरीद बिक्री मामले में आज ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होना है हाजिर। पिछले दिनों छठा समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। दुमका में आज मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पंचायतों में दिख रहा उत्साह। हर रोज दर्जनों स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन, लोग ले रहे विकसित भारत का संकल्प, योजनाओं की दी जा रही जानकारी। और बारिश थमने और बादल छटने के बाद हवा के रुख में आया है बदलाव। पूरे राज्य में अचानक बढ़ी ठंड, अगले 5 दिनों में और गिरेगा पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 पर अखबारों में लेख लिखा है, आइए लेख पर डालते हैं एक नजर। कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया। इस फैसले के बारे में प्रधानमंत्री ने लिखा है, उन्होंने कहा कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता हमारी पहचान। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जन्मने वाला जो हर बच्चा है उसे साफ सुथरा माहौल मिलता है। हर दृष्टि से अभूतपूर्व है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और शांत वादियां। पिछले कई दशक से यहां हुई हिंसा और अस्थिरता की कल्पना हम कर सकते हैं। सदियों तक उपनिवेश बने रहने के कारण तब का समाज भ्रमित हो गया था। पिछले कई दशकों में यहां हिंसा हुई, अस्थिरता रही है और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बहुत अहम बात प्रधानमंत्री ने कही। और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर मंत्री पद छोड़ा और कठिन रास्ते को चुना। अटल जी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का प्रभावशाली संदेश दिया था। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ था वह राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों को पीड़ा कम करने के लिए और उस दिशा में काम करना चाहता हूं। अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने ये बड़ी बाधा के रूप में मुंबई खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने इस आलेख के जरिए जो बातें साझा की हैं वो ये हैं कि वहां पर जो जमहूरियत है यानी कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए 370 को हटाया गया और इसके लिहाज से वहां के लोग जो शांति जो स्थिरता चाहते थे उसे बहाल करने के लिए 4 साल से लगातार काम किया जा रहा है और इसीलिए ये नया जम्मू कश्मीर है। ये वो आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर है जिसमें युवा और तमाम जो वर्ग वहां पर मौजूद हैं वो खुशहाली चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और हमने देखा आंकड़े इस बात का विचार के भावना वो दर्शाते हैं कि कैसे 370 से पहले चाहे हम आतंकी घटनाओं की बात करें, हम बात करें पत्थरबाजी की, 370 के हटने के बाद उसमें जबरदस्त डिप यानी कि कमी देखी गई। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज ये लेख है वो दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बना है। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह एक बहुपक्षीय पहल है जिसके हितधारकों का उद्देश्य इससे जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक शोध और अनुप्रयोग संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी को पाटना है। को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। GPAI 29 सदस्य देशों की एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों के बीच सिद्धांत और व्यवहार अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। टुडे द वर्ल्ड लुक्स अप टू इंडिया फॉर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। द वर्ल्ड वांट्स टू पार्टनर विद इंडिया for co-creation of technologies. The world looks for thought leadership on key issues like 6G, key issues like AI. भारत का लक्ष्य शिखर सम्मेलन के अंत तक AI पर एक घोषणा दस्तावेज के लिए सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना है जो AI के जोखिमों से निपटने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। We are negotiating a declaration document which we hope we'll be able to arrive at some consensus. Basically, today the world's thinking on AI is kind of converging. People understand the dangers, people understand the potential, people look up to the benefits which can come, and people also, the entire world wants to put certain guardrails.
भारत के आग्रह पर टिकाऊ कृषि के लिए एआई के उपयोग को शिखर सम्मेलन के एजेंडे में जोड़ा गया है। जापान के ओसाका में आयोजित अंतिम जीपीएआई में मुख्य जोर जिम्मेदार एआई पर था। पिछले महीने यूके में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बाद हालिया बैलेजले घोषणा और हाल ही में पारित ईयू एआई अधिनियम को भी जीपीएआई दिल्ली में अपनाई जाने वाली घोषणा में शामिल किए जाने की उम्मीद है। अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन है। सत्र के दौरान संसद सदस्यों ने जनहित से जुड़े प्रश्न किए, जिनका जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिया। जो किसान ऋण पोर्टल है, उस ऋण पोर्टल के ऊपर कोई भी किसान अगर जाकर वहां पर का अगर अपना अप्लाई करता है या उसके सामने प्रॉब्लम है तो उसका समाधान किया जाता है, जिसमें उसके एटीएम के ऊपर ही उपलब्ध है, एक बार यूज कर हो सकता है, वैसे ही वो अगर पैसे को की कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निकाल सकता है। और इसके साथ ही उसमें मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कृषि है, किसानों को ऋण मिलने की बात है, एलआईसी सेक्टर में बात की है, तो मैं इसमें ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले ये किसानों को सिर्फ जो किसान खेती करता था उसी को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से केसीसी मिलती थी, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे फिशरमैन है, जो फिशरीज करते हैं, उनको भी केसीसी दी जा रही है, और उसके साथ ही पशुपालक है उनको भी केसीसी के माध्यम से ऋण देने का प्रावधान किया गया है। जो पहले 1,00,000 रुपए तक था किसानों को, उसको बढ़ाकर 1,60,000 रुपए तक बिना कोई मोर्गेज के कोलेटरल के देने का प्रावधान किया है, और उसी में जो फिशरीज के और जो डेयरी के ऊपर जो किसान है उन किसानों को 2,00,000 रुपए तक का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ किसान लगातार ले रहा है। और मुझे लगता है ये किसानों के लिए जो एलाइट सेक्टर के अंदर किसान को ऋण देने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन खरीद बिक्री के मामले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि मुख्यमंत्री ईडी के कार्यालय में उपस्थित होंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ईडी ने छठी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने कार्यालय बुलाया है। इससे पहले भी ईडी मुख्यमंत्री को 5 बार समन भेज चुका है, लेकिन वे पूछताछ के लिए 1 बार भी उपस्थित नहीं हुए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उपराजधानी दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस दौरान श्री सोरेन करोड़ों रूपये की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर राज्य विभिन्न पंचायतों में उत्साह दिखा रहा है प्रशासनिक नजरिए से। इसी कड़ी में लोहरदगा जिले के जमगई पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। लाभुकों ने बदलाव की कहानी भी साझा की। भारत को विकसित करना है और इसका संकल्प आज पंचायत जमगई में लिया गया। योजना की तरफ से मुझे गैस चूल्हा मिला, मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हमको चूल्हा मिला, अच्छा से खाना बनाएंगे, लकड़ी से बनाते थे, अब मीनार से बनाएंगे खाना। मोदी सरकार गैस चूल्हा दे दिया। उधर रामगढ़ के पटेल नगर पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभुकों ने अपने जीवन में योजनाओं से आए बदलाव की कहानी साझा की। मौके पर पीआईबी के अपर महानिदेशक शंभुनाथ चौधरी ने ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, कि लोगों में जागरूकता पैदा करना है कि जो भी वंचित शोषित दलित वर्ग के लोग या जो गरीब तबके से जो छूट गए हैं, जो भी प्रधानमंत्री की 15-16 फ्लैगशिप स्कीम्स है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे हर घर नल से जल हो, जितनी योजनाएं, इन योजनाओं को सैचुरेशन यानी 100% जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी की भावना थी, जो उनकी सोच थी कि अंत्योदय की, जो उनकी फिलॉसफी थी कि अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पे अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस तक सरकार पहुंचे, उस तक सरकारी लाभ पहुंचे, उस तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा उठने के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भाजपा ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किया है। कल राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश दिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण को देख पाए इसलिए एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के
मद्देनजर लगभग 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए रायपुर शहर में, जो तमाम चौक चौराहे हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि पर जो अन्य जगह है वहां पर सघन चेकिंग का अभियान जारी है। उधर मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे कल शपथ ले सकते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव राजभवन पहुंचे और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। नेता के तौर पर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता मोहन यादव को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति से संबंधित एक पत्र सौंपा। भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में 230 सदस्य विधानसभा में 163 सीट जीतकर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूबी कुमार ने कल राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने न केवल सभी राजनीतिक दलों से अब तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभागीय स्तर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में फीडबैक लिया, बल्कि इस अभियान में आगे भी उनके सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने सभी से अपील की कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने की दिशा में चुनाव आयोग पूरी गंभीरता से काम कर रहा है, किंतु इस जरूरी काम में सभी आम और खास के सहयोग की भी जरूरत है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना में किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना में भूमि संबंधी आ रही समस्या पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की और उन्हें दूर करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने रैयतों को मुआवजा राशि शीघ्र भुगतान करने का भी निर्देश दिया। बांग्ला भाषा की पढ़ाई और शिक्षा का एक माध्यम बनाने समेत बांग्ला भाषा के उचित सम्मान की मांग को लेकर बांग्ला भाषी आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर बांग्ला भाषियों ने कल रांची में प्रदर्शन किया और राजभवन के समीप धरना दिया। मौके पर बांग्ला भाषियों ने कहा कि बांग्ला भाषा के खोए अस्तित्व को फिर से पाने की वे लड़ाई लड़ रहे हैं। बांग्ला मीडियम को खत्म कर दिया गया। हमारे झारखंड में बहुत बंगला स्कूल था, लेकिन आज का दिन में कुछ नहीं। एक सब्जेक्ट जो बंगला होना चाहिए 100 में से 10 स्कूल में भी नहीं है। तो एक बंगाली अगर किताब बंद कर देना, मतलब बंगाली संस्कृतों को खत्म कर देना। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन झारखंड में जितना पार्टी आया है हर कोई बंगला मीडियम को देखा नहीं है। आज बंगाली मीडियम हम लोग खत्म है। हमारा एक ही डिमांड है, बंगाली पढ़ाई शुरू कर दे। बंगाली पढ़ाई अगर शुरू हो जाएगा हम लोग अपना काम खुद कर लेंगे। ऐतिहासिक कुल विद्रोह की वर्षगांठ पर कल रांची के मोरहाबादी स्थित केंद्रीय घूंघुड़िया भवन में कार्यक्रम आयोजित कर कुल विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने कहा कि सीएनपीटी एक्ट का पूरी तरह पालन नहीं होना चिंता का विषय है। 1831 11 दिसंबर से तमार से ये आंदोलन शुरू हुआ था और ये करीब करीब अप्रैल महीना तक 4 महीना ये आंदोलन चला था। आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेकर रांची, खूंटी से लेकर पलामू, हजारीबाग तक ये आंदोलन चला था और इस आंदोलन के कारण और बिरसा मुंडा के कारण ही सीएनटी जो है बना। तो आज हम लोग निश्चित रूप अपने पूर्वजों का हम लोग याद करने के लिए हम लोग आज ये वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज निश्चित रूप से उनके द्वारा कुर्बानी से सीएनटी 1908 बनने के बाद सीएनटी के रहते हुए भी हमारी जल जंगल जमीन की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लूटी जा रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। उस पर भी हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं कि हमारा जल जंगल जमीन कैसे बचे। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर आइए डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। गढ़वा जिले के रंगा प्रखंड के कटरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 10 पंचायत और 2 नगर वार्ड क्षेत्र में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने आमजनों से अपील की है कि वे अपने गृह स्तर पर संचालित शिविर से जुड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 15 दिसंबर को खूंटी में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिले के उपायुक्त ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
खूंटी के उपायुक्त ने जिले के कर्रा प्रखंड के डुमरगढ़ी पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगाए गए शिविर का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविरों के माध्यम से सभी सुयोग्य लाभुकों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजनों ने शिविर में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन समर्पित किया। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में विभागीय निर्देश के आलोक में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने कई आवश्यक निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त ने जिले में सीएसआर डीएमएफटी और आकांक्षी ब्लॉक से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। रांची पुलिस ने किराना स्टोर में चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश रोई को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 20,000 रुपए और 2 गैस सिलेंडर समेत एक मोबाइल फोन जब्त किया है। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित ला कोठी में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी गोपाल श्रीवास्तव को गोली मार दी। घायल शख्स को गंभीर अवस्था में रिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। सिजुआ स्टेडियम में आयोजित झारखंड स्टेट बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट प्रतियोगिता के अंतिम चरण में सीनियर स्ट्रांगमैन ऑफ झारखंड का खिताब रांची के उत्तम कुमार सिंह ने जीता। वहीं सीनियर डेडलिफ्ट का खिताब जमशेदपुर के अब्दुल्ला हमीद ने अपने नाम किया, जबकि सब जूनियर डेडलिफ्ट टाइटल प्रतियोगिता में कतरास की अमन गिरी तथा महिला वर्ग में झारखंड स्टेट वुमेन का खिताब हर्षिता कुमारी ने जीता। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बारिश थमने और बादल छटने के बाद हवा के रुख में बदलाव आया है और पूरे राज्य में अचानक ठंड बढ़ गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 5 दिनों में रांची के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और देखी जा सकती है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में कल दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 21,000 दीप जलाए गए। हर वर्ष कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को राम मंदिर परिसर में आंध्र भक्त श्री राम मंदिर कमेटी द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। दूसरे को भी मौका दें। लाइट वाले बाबू जरा लाइट बंद करें। हम लोग यहाँ कार्तिक मास के सोमवार के दिन यहाँ जो है दीपोत्सव का आयोजन की जाती है और इस दीपोत्सव के अवसर पर आप देख रहे होंगे किस तरह के भव्य दिए जल रहे हैं और आज तमाम लोगों का यहाँ पर जो है शिव की आराधना की गई और उसके उपरांत जो है आज आशीर्वाद लेने के उपरांत आज यहाँ जो है मैं आप दीपोत्सव मनाया जा रहा है। साहिबगंज जिले के पोखरिया टाउन हॉल परिसर में शिल्प उत्सव मेला चल रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिल्पकार और बुनकर हिस्सा ले रहे हैं। खारी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा शिल्पकारों और बुनकरों को मंच प्रदान करने के लिए साहिबगंज पोखरिया टाउन हॉल परिसर में शिल्प उत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में हैंडलूम के कपड़े, बेडशीट, बनारसी सिल्क की साड़ी, खादी ग्रामोद्योग के कपड़े के साथ भागलपुरी सूट का स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ मच रही है। खादी ग्रामोद्योग के विक्रेता अभिनव सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की कोशिशों से खादी को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है। लोगों का भी काफी रुझान है, जैसे खादी का सेट हो गया, बंडी हो गया, बंडी इस मौसम में काफी बिकता है खादी वाला। वहीं बनारसी सिल्क साड़ी के बुनकर मोहम्मद इलियास, भागलपुर से आए बुनकर समीर अहमद और जम्मू कश्मीर से आए बुनकर मोहम्मद आमिर ने शिल्प उत्सव मेले के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन जैसे बुनकरों को अच्छा बाजार मिल जाता है। वो सब हम बेचते हैं कश्मीरी सूट, सब हम वहाँ से आते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक। हमारे पास एक कश्मीरी ड्रेस मटेरियल है जो कस्टमर को पसंद आते हैं, सो इस रेट में बेचते हैं ताकि पब्लिक भी खरीद सके, जिसकी वजह से हम लोगों के लिए ये लेके आते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने और बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले में शिल्पकारों द्वारा हल्की लकड़ी से निर्मित खिलौने, फर्नीचर एवं खानपान की दुकानें भी लगाई गई हैं। फर्नीचर के शिल्पकार मोहम्मद शाहिद ने बताया कि वे अपने उत्पादों को यहां उचित मूल्य पर ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। लेते हैं, वहां से बेचते हैं, यहां पे सेल करते हैं, उनको भी लाभ होता है, बुनकरों को भी और हमारा भी कुछ लाभ हो जाता है।
वहीं कुम्हार प्रकाश पंडित ने बताया कि ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है ताकि समाज का एक बड़ा तबका आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने बताया कि उन्हें भी चाक मशीन मिली है जिससे वे अपने उत्पाद तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत दूर दूर जाता है माल सब, तमाम माल हमें बेचते हैं। साहिबगंज पोखरिया टाउन हॉल परिसर में आयोजित यह शिल्प उत्सव मेला निश्चित रूप से विश्वकर्मा समाज को बड़ा संबल प्रदान करता दिख रहा है। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और अब सेहत की बात में आइए जानते हैं स्मरण शक्ति के बारे में। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता अद्भुत है। ये विभिन्न अंगों के संकेत प्राप्त करके उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है। मानव मस्तिष्क शरीर के हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क सबसे प्रभावशाली सोच मशीन के रूप में पहचाना जाता है। यदि एक समय पर मस्तिष्क को कई काम एक साथ दे दिए जाएं, तो मस्तिष्क व्यस्त हो जाता है और एकाग्रता में कमी के कारण मस्तिष्क बात को ग्रहण नहीं करता और हम बात याद नहीं रख पाते। एक तो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका। और ये जो स्क्रीन टाइम है जिसमें हम आज फोन, लैपटॉप, आईपैड, इन सब पे हम लगे रहते हैं, ये इसको डिजिटल लिटरेसी में ला के इसको कम करना चाहिए। और लाइफ में जो टास्क हैं आपके, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए आपको। चाहे आप वो डायरी बनाएं, चाहे वो फोन पे अपने अपॉइंटमेंट रखें, अपने फोन के इंपॉर्टेंट काम जो प्रायोरिटी वाले हैं उनको आप एक रिमाइंडर के तौर पे रखें। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमीन खरीद बिक्री मामले में आज ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होना है हाजिर। पिछले दिनों छठा समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। दुमका में आज मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पंचायतों में दिख रहा उत्साह। हर रोज दर्जनों स्थलों पर कार्यक्रम का आयोजन, लोग ले रहे विकसित भारत का संकल्प, योजनाओं की दी जा रही जानकारी। और बारिश थमने और बादल छटने के बाद हवा के रुख में आया है बदलाव। पूरे राज्य में अचानक बढ़ी ठंड, अगले 5 दिनों में और गिरेगा पारा।